सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। अपने आप को छोटा क्यों समझते हो, आपका जन्म गौरवशाली कार्य करने के लिए हुआ है। आज का पंचांग 10 अक्टूबर 2021 दिन रविवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 2:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र दोपहर 2:44 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:34 से 6:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 10 अक्टूबर 2021 दिन रविवार, आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं। आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल इन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित होगी। बदलते परिवेश की वजह से कुछ नीतियां आपने बनाई हैं, वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। बीमा तथा निवेश संबंधित कार्यों में भी पैसा लगाना उत्तम रहेगा। उस समय आत्म केंद्रित होकर अपने ही बारे में मनन व चिंतन में व्यतीत करें। इससे आपको अपनी कई सवालों के उत्तर मिलेंगे। लोगों के साथ विवाद होने की वजह से आपको बेचैनी महसूस होगी, लेकिन अभी लोगों के साथ उलझने से बचें। अपने लक्ष्य पर कायम रहकर काम करते रहें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, खर्चे बढ़ सकते हैं। बढ़ती कॉम्पिटिशन के कारण खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, तनाव ना बनने दें। पार्टनर के साथ चल रही झगड़ों में जीतने की जीत नुकसानदायक हो सकती है। फाइल से संबंधित समस्या कम होने लगेगी। सावधानियां, पैसों की उधारी संबंधित लेन देन ना करें। घर के बाहर की गतिविधियों में भी समय व्यतीत ना करें, क्योंकि इसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, मौज मस्ती में अपना समय खराब ना करें। आज के दिन बस मस्ती मजे और डिनर के लिए बहुत अच्छा है। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको आकर्षित करने के लिए मंडराएंगे। इनमें से एक भी गंभीरता से सोचने के लायक नहीं है। हालांकि उनमें से कोई एक आपका अच्छा दोस्त बन सकता है, जिसके साथ आप अच्छे लेवल पर दोस्ती रख सकते हैं। बात करते हैं करियर की। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपके खिलाफ की गई कुछ कार्यवाही करने के कारण प्रभावित हो रही है। आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया भी जा सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें, यह जल्दी अपने पक्ष में होगा। साझेदारी संबंधित व्यवसाय में योजना बनाकर काम करें। दिक्कत हो सकती है, कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने की भी जरूरत है। समय जितना पक्ष का है उतना ही विपरीत भी है। अदालती मामले में उलझने से बचें, पैरों का दर्द भी परेशान कर सकता है। बात करते हैं सेहत की। असंतुलित खान पान की वजह से पेट खराब रह सकता है, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। आज इस बात की काफी संभावना है कि आपको काम से संबंधित तनाव झेलना पड़ेगा और इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जैसे माइग्रेन या अत्यधिक टेंशन का सामना अकारण पड़ सकता है। सबसे अच्छा उपाय दिन की शुरुआत एक्सरसाइज योग या ध्यान से करना रहेगा। इससे आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। तनाव को अपनी मानसिक शक्ति को
भंग करने ना दे, फिर आपका दिन कहीं अधिक सफल होगा। आज का उपाय, आज अब देवी मंदिर में सिंगार चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।